गुरुवार को सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना शुरू होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 मई को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर के दीक्षा भवन, कला संकाय और बैडमिंटन हॉल में मतों की गिनती शुरू होगी। 23 मई को मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना में सबसे पहला रुझान 9 बजे तक आएगा। 11 बजते बजते हार जीत की तस्वीर साफ होने लगेगी और करीब 2:30 बजे तक दोनों लोकसभा सीटों का अंतिम परिणाम सामने आने की उम्मीद है। मतों की गिनती में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के वी एन पांडे ने बताया कि मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैरिकेटिंग से स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए रास्ते को सील कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को जिलाधिकारी के वी एन पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मतगणना केंद्र दीक्षा भवन पहुंचे और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। साथ ही मतगणना की तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और जवान सुरक्षा में लगाए गए हैं। मतदान में इस्तेमाल ईवीएम के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन, कला संकाय और बैडमिंटन हॉल के स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतगणना होने तक स्ट्रांग रूम के चारों तरफ 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रखा गया है। इसके लिए सीआईएसएफ जवानों के साथ ही बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान और पुलिसकर्मी तैनात हैं। दीक्षा भवन, कला संकाय और बैडमिंटन हॉल परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट में सीओ की ड्यूटी लगाई गई है। किसी को भी अनाधिकृत रूप से परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के वी एन पांडेन ने कहा, माटी को जा हाँ पड़ता है जोन बाकी मुझे लगता है आप लोगों पास कई बजे बैठी हो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ है? वहीं मैं आ रहा, फिर गया ऑफिस में, वहाँ पे वहाँ कल तो 23 तारीख के मतगणना आप जानते हैं, कल सवेरे 8 बजे से मतगणना चालू हो जाएगा। हम लोग को 3 संसदीय क्षेत्र का जो गणना है उस पर तो आप गोरखपुर का पूरा जो गणना यहाँ होगा, उसके अलावा बासगांव का 3 विधानसभा क्षेत्र का गणना है और संत कबीरनगर का 1 विधानसभा है हमारा खजनी, उसका भी गणना है। वो गणना के हिसाब से जो हम लोग तो दीक्षा भवन है यहाँ, तो गोरखपुर का जो 5 विधानसभा क्षेत्र का काउंटिंग का व्यवस्था कर रखा है। हर विधानसभा में 14-14 टेबल है, उसी के हिसाब से एजेंट को भी हम लोग अलाउ करते हैं। फिर माइक्रो ऑब्जर्वर हर टेबल में रहेंगे, उसका सुपरवाइजर रहेंगे, उसी के अलावा जो आरओ एआरओ सभी लोग रहेंगे। उसके समय से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन सबको देने के लिए मीडिया सेल का अंदर तक अलॉक किए, फिर उसके बाद हर राउंड पे कितने जल्दी से जल्दी जनता को और मीडिया को और सबको जो सूचना दे सकते हैं उसी के हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर रखा है। एक्यूरेसी के साथ साथ जल्दी आपको कल से खबर जल्दी मिल जाएगा, उसी के हिसाब से व्यवस्था है। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में
बाहर जो देखे होंगे तो भारी मात्रा में जो केंद्र बल तो यहाँ लगी हुई है, उसके अलावा अतिरिक्त पीएसी भी लगा हुआ है। व्यवस्था के दृष्टिकोण में भी कल तो शौचालय और मोबाइल टॉयलेट इत्यादि सारे चीज़ यहाँ, पानी की व्यवस्था सब चीज़ रहेगा। उम्मीद है तो शांतिपूर्वक मतगणना कल होगा और जल्दी से जल्दी उसका समापन भी हम लोग कोशिश